हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों आज आप सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो उसी चीज़ की अपडेट लेकर दोस्तों मैं आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने सुबह के वीडियो में सारी अपडेट प्रोवाइड की थी कि भाई रोस्टर चेंज हुआ है। अब रोस्टर चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों एक और जो है डेट लग चुकी है रोस्टर को लेकर। आज जो एक नई डेट लगी है, अब दोस्तों रोस्टर के हिसाब से गठित बेंच में ही इस बेंच की जो है सुनवाई करी जाएगी, मतलब पासिंग मार्क्स या फिर हम कहें मुद्दा एक कटा हुआ डेट पर दोस्तों जो सुनवाई होने वाली है वो आपकी अगली सुनवाई आज नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप सभी को बताया कि सुबह मैंने आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कर दी थी कि भाई रोस्टर चेंज हुआ है, रोस्टर के अंदर दोस्तों एक जज जो है चेंज हो गए, तो बेंच चेंज हो जाने की वजह से आज फिर दोस्तों जो है डेट का खेल दोबारा से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जज साहब ने टिप्पणी करके साफ कहा कि भाई इस केस को जो है हम नए रोस्टर में सुनना चाहेंगे, क्योंकि क्या होगा कि एक दिन में या मैं बात करूँ दो दिन के अंदर सभी का सबमिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर उसके अंदर दोस्तों नए जज आएंगे, जिस वजह से दोस्तों जो अगली डेट ना बिल्कुल तय। तो अगली डेट लग चुकी है, क्योंकि ये चीज दोस्तों मैंने आप सभी को सुबह ही बता दी थी कि भाई रोस्टर चेंज हुआ है। रोस्टर जो चेंज हुआ दोस्तों वो 23 तारीख से लागू हुआ, 23 सितंबर से। लेकिन दोस्तों जो उससे पहले सिर्फ 2 दिन मिल रहे थे, तो उन 2 दिनों में इन केस की जो है पूरी सुनवाई तो नहीं हो सकती थी। कल फ्राइडे है और मंडे को 24 तारीख है, तो सॉरी मैं बात करूं तो 23 तारीख मंडे को है, इस वजह से दोस्तों उसमें सुनवाई नहीं हो सकती थी। इस वजह से दोस्तों जो है रोस्टर चेंज होने की वजह से अगली डेट लग चुकी है। अगली डेट दोस्तों जो लगी है वो लगी है 25 तारीख, मतलब बुधवार को नई बेंच में कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई होगी। आज दोस्तों जो है केस जैसे ही टेकअप हुआ, टेकअप होते ही दोस्तों उम्मीद थी कि शायद आज की इसके ऊपर बहस होगी। बहस होते ही जो है पंकज सिंह जायसवाल जी ने साफ कर दिया कि भाई इसमें जो है बेंच चेंज हो रही है, इस वजह से 2 दिन में सबका सबमिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम इस केस को जो है अगली तारीख 25 तारीख को जो है नई बेंच के अंदर सुनवाई करेंगे, जिससे कि बड़ी आसानी से इस केस को समझ आ सके जा सके। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं हर बार कहता आया हूं कि दोस्तों कोई ना कोई पनौती 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगी जाती है, ऐसा ही दोस्तों आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं रोस्टर की मार दोबारा से इसके ऊपर पड़ती हुई। एक बार रोस्टर की वजह से अगली डेट लग गई, जहां पे उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई एजी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तक दोस्तों एजी साहब की अपडेट कोई वहां से नहीं निकली थी, ना ही दोस्तों जो है इस चीज़ को लेकर अपडेट अभी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वहाँ से कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एक बार ऑर्डर आने पर भी दोस्तों सारी की सारी चीज़ें आप सभी के सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यह सुनिश्चित हो चुका है कि दोस्तों जो अगली तारीख लगी है 25 सितंबर दिन बुधवार को सुनिश्चित हो चुकी है, उस दिन दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती केस बिना सुनाई अगली तारीख दे दी गई है। सिर्फ और सिर्फ साफ एक टिप्पणी की गई जो कि मैंने आप सभी को सही समझा दी है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो हर एक बार देखने के लिए मिलता है, कभी वकीलों की हड़ताल हो जाती है, कभी जज साहब नहीं बैठते हैं, तो कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब कि एक एक तरीके से अगर मैं बात करूं जितनी भी पनौती लगनी होती है 69,000 के अंदर लगी जाती है, कोई ना कोई दोस्तों नई प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। तो इस बार भी दोस्तों एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। रोस्टर चेंज हुआ, रोस्टर चेंज 23 तारीख से दोस्तों लागू होगा, उससे पहले हमारी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी, जिसकी वजह से दोस्तों अब छात्रों को दोबारा से कहीं ना कहीं 6-7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, जिस समय में छात्र एक दो दिन बड़ी मुश्किल से निकाले, दिन और रात गिनती कर करके निकालते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों नई नई डेटें लगती जा रही है, कहीं ना कहीं 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा थोड़ी सी लटकती जाएगी। लेकिन इस बात से निराश मत होइएगा, अब ये दोस्तों रोस्टर की मार जो पड़ी है इसमें तो अभी गवर्नमेंट है, किसी की हम गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोस्टर चेंज हुआ है। अब रोस्टर चेंज होने में जज साहब का कहना है कि हम इसको नई बेंच में इस पासिंग मुद्दे को सुनेंगे, तो उसके बाद ही दोस्तों सारी की सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी। तो फिलहाल कट ऑफ मुद्दे की अगली तारीख 25 तारीख बुधवार को सुनवाई होगी, जो भी जैसी भी अपडेट होगी एक बार ऑर्डर आने के बाद आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे की जो भी अपडेट है एक बार आप सभी को ऑर्डर के साथ में विश्लेषण में सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी जाएंगी। इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।